निशा माधवानी, SDM नेपानगर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मैं सिम्टोमेटिक हूँ, मुझे सर्दी खांसी फीवर तीनों सिम्टम्स हैं। आप सभी लोग मुझे जो भी कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। मैं ये एनालाइज़ कर रही थी कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि हमारा जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि मैं लगभग दिन में 200 लोगों के करीब लोगों से मिलती हूँ, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज़ नॉट ईजी। लेकिन इतना लोगों से मिलने के बावजूद अभी तक हम प्रिवेंटेड थे, क्योंकि मैं योगा कर रही थी, मैं अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रख रही थी, मैं काढ़ा पी रही थी, प्रॉपर नींद ले रही थी। तो इन्फेक्टेड पर्सन से आप टच में भी आते हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बर्डन ज़्यादा होने की वजह से मे बी मेरी नींद प्रॉपर नहीं हो रही थी, 10-1 दिन से आई कुडंट स्लीप प्रॉपरली। तो हो सकता है कि ये रीज़न रहा हो कि इन्फेक्शन मुझ पर असर कर गया। प्लस जब मैं ट्रैवल करके यहाँ से जा रही थी तब तक मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन जब मैंने ट्रैवल किया घर जाने के लिए तो एक्जर्शन हुआ, वो एक्जर्शन से मैं और ज़्यादा प्रोन हो गई एंड कोरोना मेरे पे असर कर पाया। अदरवाइज शायद मैं एसिम्टोमेटिक होके निकल जाती। लेकिन जो थकान और फटीग आपको हो गया जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई, तो वो वायरस आप पे अफेक्ट कर पाया, ये मुझे समझ में आया है। क्योंकि जिस दिन मैं पहुंची थकान के बाद, अगले दिन ही मुझे सिम्टम डेवलप हो गए। तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि लगभग 4-5 दिन पहले 29 तारीख के आसपास मैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आई होंगी, उसके 4-5 दिन बाद मुझे क्योंकि सिम्टम्स डेवलप हुए हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी लोगों से जो भी 28 जुलाई के बाद से मेरे टच में रहे हैं, वो सब प्लीज़ अपना ज़्यादा ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते रहें। बहुत प्रिकॉशंस लेने के बाद भी मुझको कोरोना हुआ, जबकि मैं हमेशा मास्क लगा के रखती थी, कवर्ड रहती थी, सैनिटाइज़र यूज़ किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। इसीलिए प्रिकॉशन के साथ में आपका इम्यूनिटी बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग सीखें और जो चूक मुझसे हुई वो आप लोग ना करें। तो आगे भी जैसा मैं आज हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली हूँ, जैसा भी जो भी एक्सपीरियंस रहेगा मैं शेयर करती रहूँगी, ताकि आप लोग उस चीज़ से बच सकें और अपना ध्यान रख सकें। थैंक यू।